हेलो दोस्तों, मैं ऊशान, किसान क्रेडिट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सर्फेक्टेट यानी चिपको की बात करेंगे। यह फसल के लिए कितना ज़रूरी है, चिपको कितनी तरह का आता है, इसका डोज क्या है और कौन सा चिपको किस कीमत में मिलेगा और इसे डालने से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसमें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर और उसके पास की घंटी को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चिपको हमारी फसल के लिए क्यों ज़रूरी है, वो हमारी फसल में क्या क्या काम करता है? आमतौर पर किसान भाइयों के दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई है कि स्प्रे करने के बाद पानी आ जाएगा तो दवाई धुलेगी नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये एक ही कारण है चिपको डालने का? अगर आप भी यही सोचते हैं कि चिपको सिर्फ दवाई को बारिश से बचाने के लिए है तो आप चिपको को समझ नहीं पाए हैं। और जो लोग जनरली चिपको का यूज़ सिर्फ बारिश से बचाने के लिए करते हैं तो वो लोग चिपको भी वही डालते हैं। जो बारिश से खुद को भी नहीं बचा सकता तो वो दूसरी दवाइयों को कब बचाएगा? मेरे कहने का बस एक ही मकसद है कि पहले आप हर दवाई को समझे कि ये क्या है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है। उसी प्रकार चिपको को भी समझे कि क्यों स्प्रे करना है और कौन सा चिपको स्प्रे करना है। दोस्तों, मैं दो तरह के चिपको को जानता हूँ। पहला है बेसिक सर्फेक्टेंट, दूसरा है सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट। बेसिक सर्फेक्टेंट यानी नॉर्मल चिपको जो 200 से 250 रुपये लीटर तक आता है और आधी टंकी तो झाग से ही भर देता है और काम भी सिर्फ 20-30% करता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी मात्रा में सरफेस एक्टिव एजेंट कंटेंट मिले होते हैं। ये नॉर्मल चिपको सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए है जो चिपको डालना ही नहीं चाहते। वो लोग नॉर्मल चिपको डालकर संतुष्टि कर लेते हैं कि हाँ, मैंने चिपको डाला है। अब दूसरा चिपको है सिलिकॉन बेस का, जो मैं खुद 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं भी 200 रुपये लीटर वाला चिपको यूज़ करता था। सिलिकॉन बेस चिपको का यूज़ वही किसान भाई करते हैं जो चिपको का मतलब समझते हैं। जिस तरह हम कीटनाशक को इंसेक्टिसाइड, खरपतवार को वीडिसाइड, फफूंदनाशक को फंगिसाइड कहते हैं, उसी प्रकार चिपको को सर्फेक्टेंट कहते हैं। इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। दोस्तों, सर्फेक्टेंट 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सरफेस एक्टिव और एजेंट। सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट का मतलब है सतह सक्रिय घटक। जब यह सिलिकॉन बेस सर्फेक्टेंट पानी में घुलता है तब यह पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, जिससे पानी की बूंद स्प्रे करते ही पत्तों पर फैल जाती है। जब हम नॉर्मल पानी स्प्रे करते हैं तो उसकी बूंदें पत्तों पर एक ही जगह ठहर जाती है और फैलती भी नहीं है, और जब तक वह पौधे में जाती है उससे पहले उसका 30-40% भाग समाप्त हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन बेस चिपको पानी की बूंद को तत्काल पौधे के अंदर फैला देता है। और आपकी महंगी दवाइयों को बारिश से धुलने से तो 100% बचाएगा ही, साथ ही साथ उस दवाई को पूरे पौधे में भी फैलाएगा, जिससे दवाई अपना पूरा काम करेगी और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सिलिकॉन बेस चिपको कोई खास महंगा भी नहीं आता है। इसका 1 लीटर का पैक 1600 रुपये तक आता है और 60 बीघा में डलता है, यानी 30 एकड़ में स्प्रे होता है। इसका डोज 15-20 ml बीघा यानी 35 ml एकड़ का है। इसमें 1 एकड़ का खर्च 50 रुपये है, यानी 25-30 रुपये बीघा में काम हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी का यूज़ करो, लेकिन सिलिकॉन बेस होना चाहिए। कई लोग एमवे का एफसाइटी भी यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, 100% काम करता है। इसका भी 1 लीटर का पैक शायद 1200-1400 रुपये लीटर के समथिंग आता है। यह 1 लीटर 35-40 बीघा में डलता है, यानी 18-20 एकड़ में आ जाता है। इसका डोज 1 एकड़ में 65-70 ml है, यानी 35 ml प्रति बीघा का। इसका भी खर्च 30 रुपये बीघा का है। आपकी जो मर्जी उस कंपनी का डालिए। अगर आप एमवे का डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और कंपनी का डाल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर होना चाहिए सिलिकॉन बेस्ड चिपको। आप फसलों में महंगे महंगे कीटनाशक और फफूंदनाशक डालते हैं जिनका खर्च 400 रुपये प्रति बीघा तक होता है, वहीं पर आप 25-30 रुपये चिपको का यूज़ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप अन्य दवाइयों के साथ सिलिकॉन चिपको का यूज़ करते हो तो दवाइयाँ पौधे में फैलेगी और अच्छे से काम करेगी और अकस्मात हुई बारिश से धुलेगी भी नहीं। और अगर आपने चिपको के 30 रुपये बीघा के बचा भी लिए और नहीं स्प्रे किया और बारिश हो गई तो वह 400 रुपये प्रति बीघा की दवाई के पैसे बेकार चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि हर स्प्रे में सिलिकॉन बेस्ड चिपको यूज़ करिए, और अगर हर स्प्रे में नहीं कर सकते तो कम से कम महंगी दवाइयाँ और खरपतवार नाशक में तो ज़रूर स्प्रे करना चाहिए।
हर स्प्रे में भी यूज़ करेंगे तो आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। मैं खुद भी 3 साल से सिलिकॉन बेस्ड चिप को यूज़ कर रहा हूँ, करिए और खुद भी रिजल्ट देखिए। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।